वैसे नहीं था, बट एनी होस्ट हमारे पास ओरल सर्जन है डॉक्टर एस के सिंह, ओरल फिजिशियन सॉरी ओरल सर्जन भी हमारे पास डॉक्टर अच्छे ओरल फिजिशियन है डॉक्टर एस के सिंह। तो स्पेशली जो कैंसर डिजीज है ग्लूकोज तंबाकू उसके डॉक्टर सिद्धेवा एक्सपर्टाइज है, कंपेनिंग करते रहते हैं मेडिकल कॉलेज में, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका टीचिंग का। तो आज जैसे ही आप लोग आए तो मुझे कॉल किया डॉक्टर सिद्धेवा को, प्लीज़ जो बोल दूँ कि डॉक्टर सिद्धेवा भी एड्रेस और नोट वक्त दें प्लीज़ डॉक्टर। जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस किया है, मैं डॉक्टर सिद्धेवा हूँ और मैं बेसिकली ओरल डेंटल फिजिशियन हूँ, मतलब मुंह की चमड़ी में कुछ भी हो, छाला हो या कुछ भी हो उसका मेरा डायग्नोसिस का बेसिकली काम। तो जैसे कि आप सब जानते हैं 31 मई इज सेलिब्रेटेड एज नो टोबैको, ठीक है। तो मैं स्टार्ट अपने फ्रेंड से भी करूँगा, क्योंकि सबसे पहले जो पेशेंट या पर्सन है वो किसी भी फॉर्म में अगर टोबैको ले रहा है, चाहे वो स्मोकर है या स्मोकलेस चीज में आप देखते हैं पान मसाला ये सब चीज़ें आम आते हैं जनता, तो वो मुँह से ही यूज़ करें और सबसे पहले जो साइड इफेक्ट आएंगे वो मुँह के ही अंदर आएंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पैटर्न आएगा, तब उसको दिक्कत होएगी या नहीं होएगी, क्योंकि लंग्स में तो धुआं जाएगा। बट आपने ये देखा होगा कि आजकल जो पर्सन है वो जेनी कैमी या वाइट पैच बनेगा, मतलब वो हैवी स्मोकर है कई साल पीता रहेगा तो व्हाइट पैच बन जाता है, जिसको हम लिकोप्लेकिया बोलते हैं। आप भी जैसे जैसे बढ़ोगे आपको लिकोप्लेकिया काम समझ में आने लग जाएगी कि लिकोप्लेकिया व्हाट इज दिस। इसके लिए आपको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाए, इसके लिए वो होकर बनी हुई है व्हाइट पैच, ठीक है, दैट इज लिकोप्लेकिया। एंड इसको हम प्री कैंसर बोलते हैं, मतलब कैंसर से पहले की स्टेज, ठीक है। तो इसके जो है ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल स्टेज है, अभी कैंसर बना नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जब लाल चट्टे पड़ जाएँ तो इसको अरिथ्रोलिकोप्लेकिया बोलते हैं। पर ध्यान रखिएगा जब जब लाल लाली बढ़ेगी तथा उतना बढ़ता जाएगा, व्हाइट पैच हम इसको नॉर्मल मानते हैं। बट दिक्कत क्या है, पेशेंट इस केस में हमारे पास रिपोर्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कैंसर बना नहीं है, ठीक है। और ये इसको दिक्कत नहीं करती, ना तो उसको कोई खाने में दिक्कत आ रही है, ना बोलने में, ना जलन में, ये कई कई साल तक कहीं में बची रहती है, ठीक है। तो अगर इस केस में हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट कर जाता है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है। बट एक बार इसमें कोई छाला हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो हमें फिर उसका बायोप्सी ही करना है। और बायोप्सी की इंडिकेशन ये है कि मतलब कोई भी मुंह में छाला जब 2 हफ्ते से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। तो और जब कैंसर है तो दूसरी बात ये है कि पेशेंट हमारे पास कई बार आता है, वो बताता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ, कई बार तो वो बोलता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ। लेकिन मुँह की चमड़ी ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब देखने से बता देगी कि आपने गुटखा खाया है या जर्दा लगाया है या तंबाकू, क्योंकि हर एक जो चीज़ है ऐसी उसका जो एक डिजीज का पैटर्न है, अपीयरेंस है, वो एक बड़ी टिपिकल है। मेरे पास रूटीन में पेशेंट आते हैं जी, मैंने तो कभी कुछ खाया नहीं है, लेकिन मेरे को पता लग जाता है कि पेशेंट ने पर्टिकुलरली क्या चीज़ कितने समय से खाई, ठीक है। तो ये एक बड़ा कॉमन है डायग्नोसिस मॉडल से। बट मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैसे हम पहचान सकते हैं। आपने देखा होगा कि गुटके वालों की मुंह कमजोर होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो एक साइड की जो चमड़ी है वो हार्ड हो जाती है, इसको फाइब्रोसिया बोलते हैं। आपने वर्ड पढ़ा होगा यहाँ से पिक्चर के नीचे फाइब्रोसिया लिखा हुआ, ठीक है। बेसिकली इसका पूरा नाम होता है ओरल सब म्यूकोस फाइब्रोसिस, बट सिंपली उन्होंने फाइब्रोसिया लिखा हुआ। इससे क्या होता है, गुटकी की वजह से सारी चमड़ी जो कड़क हो जाती है, मुंह खुलना कम हो जाता है, उसको टेस्ट आना बंद हो जाता है, क्योंकि सारा दिन उसने गुट का चबाना है, तो दांत भी उससे ब्लैकिश हो जाएंगे, ठीक है। उसको मिर्ची लगनी शुरू हो जाएगी, सबसे कॉमन सिम्पटम है उसको मिर्ची लगने लगता है। और जर्दे वालों की क्या पहचान है, जर्दे वाले एक पर्टिकुलर जगह पर घुस के रखते हैं, ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर एरिया में रीजन बन जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि जर्दा है या चैलेंज, ठीक है। स्मोकर होगा, क्योंकि स्मोकर का धुआं क्या है कि कॉमर्स पे ज्यादा लगता है, तो उसका दोनों ग्लाफों के अंदर सफेद पैटर्न बनने लग जाएंगे। जो लंग्स पे प्रॉब्लम आएंगे वो डॉक्टर साहब डिस्कस करेंगे, क्योंकि चेस्ट के फिजिशियन है डॉक्टर साहब, ठीक है। तो मुंह में ऐसी ऐसी जो मैंने पिक्चर्स दिखाई, ये सारे रीजन जो है ये सारे प्री कैंसर में काउंट होते हैं। और अगर इनको टाइम भी हम डायग्नोज ना करें या ट्रीट ना करें तो ये मतलब अल्टीमेटली कैंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो जितनी भी हैबिट्स है, अगर आपने जीवन में कभी भी किसी ने टच भी किया है